तो अभी हम जा रहे हैं आज की हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और वो है भर्तरी धाम। तो वहाँ की जो खास बात है वो ये है कि वहाँ पहाड़ में पानी का स्तर बहुत नीचे है, लेकिन एक जगह पे पानी ऑटोमेटिक अपने आप निकलता है, जैसे वाटरफॉल में निकलता है उसी तरह से। तो वो जगह देखेंगे और भर्तरी धाम घूमेंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भर्तरी धाम, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये है इस मंदिर का प्रवेश द्वार। तो पहले मंदिर में पूजन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। ये जो पानी आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे छोटी गंगा बोला जाता है, और हम लोग ये पानी जहाँ से निकलता है उस जगह पे जा रहे हैं। जानवर उन्होंने कहा बाबा जी यहाँ जल नहीं है, कहीं पानी से प्यासे हैं। जब बाबा जी ने यहाँ गुलर की जड़ में चमड़ा काटा और ये पानी का अमर गुलर का पेड़ है, ये गुलर का पेड़ है, ये फिर अमर गंगा है। अमर गंगा है, हाँ, ये ऐसी धरती है सदा, कोई किसी मौसम को कभी आओ किसी टाइम सदा बार, ना कभी इसमें तेज होता ना कम होता, नहीं का जो का त्यों रहेगा। और ये पानी पड़ा है न्यू ईयर फिर ऐसे इतना ही बहाव नीचे रहेगा, नीचे तेज हो जाता है बहाव, हाँ नीचे तेज हो जाता है। तो और पानी मिलता है कहीं से, वो तेज कैसे हो जाता है? कुछ कहा नहीं, ये पानी जुड़ के हो जाता है, ये अपने आप रस वाले जुड़ जुड़ के, हाँ सफेद हो जाता है। तो यहाँ भी जानवर वगैरह आते होंगे? हाँ रास्ता में यहाँ यहाँ पानी पी जाते हैं। देखा आपने टाइगर वगैरह देखा है? शेर सुराम है, सब टाइगर आते हैं, भाग आते हैं, ये क्या जर खाते हैं। अच्छा, सब के बारे ऐसे डर मार आवाज मारे और सब एकदम ये रात को। तो यहाँ से ये पानी निकलता है और कुलर की जड़ में चिमटा मार के बाबा ने ये पानी निकाला है। यहाँ ये पानी बहुत शांत दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे इसका बहाव तेज होता चला जाता है। तो ये है सरिस्का का मेन गेट, और सिर्फ सैटरडे और ट्यूसडे को ही अंदर जाना अलाउ होता है प्राइवेट गाड़ियों को, बाकी जीप सफारी यहाँ पे हमेशा चालू रहती है। बरसात के मौसम में 2 या 3 महीने जीप सफारी बंद होती है, तो वो आप अपना टाइम देख के आए। जीप सफारी के अलावा प्राइवेट गाड़ियों की भी यहाँ पे एक पर्ची कटती है, 250 रुपीज़ की है वो शायद। तो अभी पर्ची लेते हैं और चलते हैं सरिस्का के अंदर और देखते हैं कि आज टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता। 2 टाइगर गाड़ी के अंदर और 11 बाहर। तो अभी हम सरिस्का में एंट्री कर चुके हैं और ये इसकी एंट्री फीस है, फोकस नहीं कर रहा। तो ये जो पर्ची है ये है 275, और उसके साथ में आप लोगों को ये कार्ड दिया जाएगा जिसमें काफी कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो पढ़ लेना। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जय यादव व्लॉग्स। तो दोस्तों ये जो व्लॉग होने वाला ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व का। तो इस जंगल में अभी लगभग 15 या 16 टाइगर और 300 से ज्यादा पैंथर और बहुत ज्यादा हिरण और अन्य जंगली जानवर भी है। तो इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए और हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा जंगली जानवर आप लोगों को दिखा पाए। एक मंदिर भी है इस जंगल में जो है हनुमान जी का पांडुपोल मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो वो भी इस व्लॉग में दिखाया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट शेयर कर दीजिए।
मेरा भाई टाइगर आ जा रहा यार। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा अगला जो व्लॉग होगा वो होगा नटनी का बारा का। वहाँ की कहानी सुनने के बाद हम लोगों को वहाँ जाने का मन किया। उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि नटनी का बारा कुछ है, पर जब पता लगा कि नटनी का बारा की कुछ मान्यता है, उसके पीछे जो कहानी थी वो आपको हम उस अगले व्लॉग में बताएंगे। गाइस वो जो व्लॉग होगा वो अपने आप में बहुत स्पेशल व्लॉग होगा। उस कहानी सुनने के बाद में उस जगह पे जाके उसको फील करना बहुत ही अलग अनुभूति थी, तो वो व्लॉग ज़रूर देखना और पूरा देखना। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।